हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज चलिए एक टॉपिक में बातें करते हैं कि समर में अपने आप डॉग की केयर कैसे करें। जैसे सिम्बा के अपन लिया जाए तो रोज़ सिम्बा को देखते हैं, जहाँ पर सिम्बा सोता है तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वॉश कर देते हैं पूरे एरिया को, चारों तरफ ग्रीनरी खूब ज़्यादा बढ़ा देते हैं और एक कूलर लगा रखे हैं उसके पास, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा हो जाता है। तो जिस एरिया में आपको रखना है अपने डॉग को, तो वहाँ का एरिया अगर ठंडा करना है तो आपको चारों तरफ ग्रीनरी होनी चाहिए और रोज़ धो दें वहाँ पास एरिया को, जिसके कारण ठंडक काफ़ी मेंटेन होगी। तो चलिए आप सिम्बा से आज वॉक करने चलते हैं सिम्बा के साथ। वो देखिए कौन मिला दोस्तों, रॉकी। रॉकी इसका दोस्त है और रॉकी को पता है सिम्बा घर नहीं जाने देता अपने, पर खेलता बहुत ज़्यादा है रॉकी के साथ ही हम। तो चलिए दोस्तों आज चलते हैं इन दोनों के साथ वॉक करने। तो रॉकी इतनी ज़्यादा बात नहीं मानता है, पर सिम्बा मेरे पीछे पीछे आएगा तो उसके साथ रॉकी भी आएगा। सिम्बा चलो आ जाओ। अरे अच्छा, रॉकी भी आ रहा है, चलो चलो चलो। देखिए दो भागे ना दोनों एक साथ। क्या है दोस्तों, एक ना एक डॉग दूसरे डॉग के साथ जब खेलता है तो बहुत सारा वर्कआउट, बहुत सारी कैलोरी बर्न हो जाती है। चलो चलो आ जाओ बताए दोस्तों, एक चीज दिखाऊं मैं आपको। सिम्बा यहाँ से जैसे जंप कर जाता है ना, रॉकी कभी भी इस नाली को जंप नहीं कर पाता। रॉकी को अगर बुलाएंगे ना तो रॉकी वो घूम के आएगा। रॉकी आ जाओ, वो देखिए वो घूम के आएगा, वो नाली नाली को पार नहीं कर पाता, डरता है, उसको फोबिया। एक बार घुस गया था नाली में तब से ये नाली को कभी वो नहीं करता, जंप नहीं करता और घूम के आता है वो। देखिए अब रॉकी नहीं आ रहा ना, सिम्बा को बोलेंगे बुलाने के लिए तो बुला के लाए। जाओ उसको बुला के लाओ, ए सिम्बा ओए, जाओ बुला के लाओ, पकड़ो 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 पकड़ो, जाओ 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 बुला के लाओ, बुला के लाओ, बुला के जाओ, बुला के लाओ, जाओ। गया बुलाने पर वहाँ पर दो बिचेस आ रही हैं ना दोस्तों। ये बिचेस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बिच जो है बहुत अच्छी हैं, बहुत पोलाइट हैं और इनके जो ऑनर हैं ये स्ट्रीट डॉग्स पे काफ़ी ध्यान देते हैं। और ये अपने साथ में मैडम हैं, आज इनके साथ दो मैडम हैं और ये अपने साथ रोटी वोटी लेके आती हैं और जो अदर से स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको खिलाती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी केयर करती है अपने स्ट्रीट डॉग्स की। एक स्ट्रीट डॉग इनका ये है एंड दूसरा स्ट्रीट डॉग्स ये है। ये ज़्यादा इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है, दोनों ही बिच हैं, ये ज़्यादा इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है इसलिए इसको ज़्यादा इन लोग लीस पर नहीं रखते हैं। और आगे वाले इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करती है इसलिए इनको इन लोग लीस में रखते हैं। तो अपना सिम्बा भाई तो यहाँ है और रॉकी भाई निकल लिए, तो चलिए आप सिम्बा को थोड़ा पोटी वोटी करवा देते हैं अपन। दोस्तों हम लोगों के साथ एक फ़ायदा ये है, हमारे पास ग्राउंड काफ़ी बड़ा है। मतलब शहरों में ग्राउंड मिलना बड़ा मुश्किल काम है, पर ये ग्राउंड काफ़ी बड़ा है तो यहाँ सिम्बा को काफ़ी मज़ा आता है। दोस्तों गर्मी की बात कर लें तो गर्मी में आप लोगों ने देखा कि कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। ज़्यादा अंडे नहीं दें, ज़्यादा गर्म चीज़ नहीं दें और कोशिश करें कि मॉर्निंग में ही वॉक करने जाए। अभी ज़्यादा धूप नहीं निकली, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, बट इससे इसका ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जब वॉक कराने जाएँ तो सुबह 6 या 5:30 बजे समथिंग निकले, जिसके कारण ज़्यादा वो नहीं, ज़्यादा गर्मी नहीं रहेगी, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहेगा तो उस समय वॉक करने में इन लोगों को ज़्यादा थकान नहीं होगी, ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। देखिए जैसे दोस्तों मैं बोल रहा था कि इन लोग रोटी भी ले जाते हैं, ये इनकी मॉम है, ये साथ में रोटी ली हुई है, अभी स्ट्रीट डॉग्स को देंगे, बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों। मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करूँ, ये तो आंटी सोचेंगी कि यार ये क्या कर रहा है, मैं हम लोग की रिकॉर्डिंग कर रहा है। ए लड़के उधर नहीं जाना, अब मार देंगे तुम्हें एक थप्पड़। दोस्तों सिम्बा में अच्छा क्या लगता है पता है, बात मानता है। इसको लीश में मैंने तो कभी रखना ही नहीं चाहता हूँ, मैंने शायद बहुत रेयर ही होगा कि मैंने इसको 10-12 बारी लीश पर रखा होगा और लीश पर रख के घुमाया होगा, मैं तो कभी नहीं घुमाता इसको लीश पर रख के। और देखो दोस्तों वो एक बिच है, उसके फेस में वो रखा रखा है, क्योंकि बहुत जल्दी ये बाइट कर लेती है किसी को भी। और सिम्बा लाल वैसे ही फट्टू है अपने, आप जानते हैं कि सिम्बा उसके पास नहीं जाएगा, पर उसका मुंह बंधा है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, पर उसको मना कर देंगे कि भाई उसके पास नहीं जाना तो फिर नहीं जाएगा। वो बहुत पास में आ गए दोस्तों, ये बहुत पास में आ गए, वो पहले निकल ली सटकली। और सिम्बा भी जानता है, देखिए तैयारी दिखाते हुए सिम्बा वापस आ रहा है। तो दोस्तों गर्मी में बस यही ध्यान रखना है कि इनका जहाँ पास ये इनको सुलाएंगे आप, तो इनका एनवायरनमेंट सही रखना है, चारों तरफ ग्रीनरी और कूलर वूलर लगा के रखना है और पानी
थोड़ा सा मटकी में भर के रखें, मटकी में भरने से पानी ये रहता है कि थोड़ा ठंडा रहा आएगा, बाकी और कोई टेंशन नहीं लेना है, बस इतना टेम्परेचर का ध्यान रखना है। हो गया दोस्तों, आज थोड़ा सा ब्लॉग हमने इसीलिए बड़ा बना दिया कि थोड़ा सा बातें आपसे करनी थी। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग फिर से कुछ लेके आएंगे, अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।